इनके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सुरक्षा के साथ साथ कुछ राजनैतिक कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनसंख्या के वितरण में। मतलब लोग वहाँ पर निवास करना चाहेंगे ना भाई जहाँ पर सामाजिक और राजनैतिक रूप से शांति होगी, किसी भी प्रकार का राजनैतिक उथल पुथल नहीं होगा, है ना, या फिर किसी भी प्रकार के युद्ध की स्थिति ना बने, उन्हें अपनी सुरक्षा का भाव जो है वो महसूस हो। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर राजनैतिक रूप से हमेशा उथल पुथल रहेगी, या हम ये कहें अशांति की स्थिति होगी, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तो क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? नहीं। तो सुरक्षा का भाव या ये जो राजनैतिक कारक हैं वो भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जितने भी कारक हमने देखे, हमने इनका अलग अलग अध्ययन किया, चाहे वो उच्चावच हो, या हम जलवायु की बात करें, या हम परिवहन के साधन, औद्योगिकरण, किसी भी फैक्टर की हम बात करें, तो बहुत हद तक कभी भी जनसंख्या के वितरण को कोई एक कारक जो है वो एकांकी रूप से अधिक प्रभावित नहीं करता है। इन सभी कारकों का सम्मिलित रूप में प्रभाव पड़ता है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने में। मतलब हो सकता है कि वहाँ पर जलवायु थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी विषम जलवायु मिल रही है, लेकिन रोज़गार जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है, तो लोग वहाँ पर रोज़गार के कारण रहना चाहेंगे या जाएंगे उस स्थान पर निवास करने के लिए। और अब तो धीरे धीरे अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि हमारे भारत में तो बहुत हद तक सामाजिक कारक भी जो हैं वो जिम्मेदार हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। मतलब हम ये देखते हैं कि किसी विशेष जो जाति समुदाय है वहाँ पर, चूँकि हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो जाति समुदाय होते हैं, कहीं पर अधिक बच्चे पैदा करने हैं, कहीं पर लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है, तो इस चक्कर में भी पर्टिकुलर उस समुदाय में हमको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। या हम अपने श्रमिक वर्ग की ही बात करें तो जो एक रूढ़िवादिता वाली स्थिति है या रूढ़िवादिता जो सोच है उनकी कि जितने घर में मेंबर अधिक होंगे वो हमारी आय के सोर्स होंगे, वो ये नहीं सोच पाते कि भाई उनका पालन पोषण या रहन सहन भी तो हमारी एक जिम्मेदारी होगी। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात ये होती है कि वो हमारी आय के सोर्स होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब चूँकि साक्षरता, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है, तो इन सब में जो है वो बदलाव हमको देखने को मिलता है। हम निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जैसे हमारे राजस्थान में हमने देखा कि विशाल थार का मरुस्थल है, लेकिन अभी भी हमने जो 10 राज्य की बात की जहाँ पर जो सब मिलकर भारत की लगभग 76% जनसंख्या को कवर करते हैं, तो उसमें हमारे राजस्थान का भी नंबर है। तो वो किस लिए? जब वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का जैसे ही निर्माण किया गया तो पानी की उपलब्धता के कारण वहाँ पर जनसंख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो अब कुछ क्षेत्र, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमेशा यही स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि ये कुछ सुविधाओं के विकास के साथ साथ, मतलब जनसंख्या का वितरण लगभग एक समान सभी जगह हमेशा नहीं होगा, इनमें बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने बात किया कि जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी प्रकार हम देखेंगे झारखंड राज्य जो है वो खनिज के कारण या उद्योग धंधे के कारण यहाँ पर लगातार जनसंख्या में विकास हो रहा है या जनसंख्या जो है वो यहाँ की बढ़ रही है। इसी प्रकार हम जो प्रायद्वीपीय
राज्यों की बात करें या प्रायद्वीपीय पठार में स्थित जो राज्य हैं उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर परिवहन के साधनों के विकास के साथ साथ जनसंख्या अब जो है वो बढ़ रही है। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो हमने देखा कि भाई जो भूविन्यास है, या हम उच्चावच की बात करें या हम जलवायु की बात करें और जल उपलब्धता, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये आपके हमारे उत्तरी मैदानी क्षेत्र में है ना, भारत का जो ये विशाल मैदान है, या हम उसके डेल्टा की बात करें और ये जो तटीय मैदानी क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो ये तीनों फैक्टर मिलकर एक साथ जो है वो प्रभाव डालते हैं और भारत की जो है सर्वाधिक जनसंख्या हमको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर हमने बात की थी कि उत्तर प्रदेश हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो मतलब लोगों को सुखद जलवायु, जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, जल की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए, उच्चावच भूमि जो है वो लगभग समतल होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बहुत हद तक वहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं अधिक रूप में। अब भारत में यदि हम देखें तो इसका जो पूरा हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज मतलब जो हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियों वाला जो हिस्सा है, या हम सेवन सिस्टर्स की बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो वहाँ पर बहुत अधिक आर्द्र क्षेत्र और सघन वनस्पति होने के कारण, या हम मरुस्थली क्षेत्र राजस्थान की बात करें है ना, या पठारी हिस्से की हम बात करेंगे, डेल्टाई या दलदली क्षेत्र की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो भारत की कम जनसंख्या निवास करती है। और हमने जैसे भी बात किया था कि भाई जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर का जो विशाल मैदान की हमने बात की थी, डेल्टाई क्षेत्र की हमने बात की थी, तो या तटीय मैदानी क्षेत्र की हम बात किए, तो यहाँ पर हमको भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। अब हमने कहा कि भाई जैसे जैसे औद्योगिकरण या नगरीकरण भी होता है तो उसके साथ हम क्या देखेंगे कि जहाँ पर हमने देखा था खनिज विदोहन होगा या औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, तो ये लोगों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है, चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है मतलब वहाँ पर के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं वो आकर्षित होते हैं उन नगरों की तरफ रोजगार की तलाश में, या वहाँ पर उन्हें अच्छी सुख सुविधाएँ जो हैं वो जीवन की मिल जाती हैं, जिसके कारण वो उन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और ये हमारे भारत में बहुत अच्छी तरह से जो यहाँ जनसंख्या के वितरण में हमको असमानता देखने को मिलती है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हम अपने भारत देश में देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने अभी देखा था कि जो 10 राज्य हैं, हमने बात की कि लगभग 76% जो है जनसंख्या यहाँ पर की निवास करती है, तो आपका एक प्रैक्टिकल वर्क हम कह सकते हैं, चूँकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र से संबंधित जो है वो आपसे प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास जो है एक पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए और राज्यों की जो स्थिति है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और अभी हमने जो देखा था कि भाई कौन से नंबर पे कौन सा राज्य है, कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या, कहाँ पर कम जनसंख्या देखने को मिल रही है, तो वो सारी स्थितियाँ जो हैं वो आपको अपने मानचित्र में लोकेट करनी है, क्योंकि मानचित्र से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब हम अपने भारत देश की बात कर रहे हैं तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है, तभी हम इन चीज़ों को और अच्छी तरह से आगे पढ़ सकते हैं। अब जनसंख्या के वितरण के बाद हम देखते हैं जनसंख्या के घनत्व को। तो पहले तो समझ लें कि जनसंख्या घनत्व है क्या। जो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है
कि उस पर्टिकुलर स्थान पर जनसंख्या का जमाव जो है वो कितनी मात्रा में है। अब इसी अपने मानचित्र से, भारत के मानचित्र से हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसे। अभी हमने बात की थी कि भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ पर 121 करोड़ जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो ये जो 121 करोड़ जनसंख्या है वो कहीं पर अधिक और कहीं पर कम देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसे हम ज्ञात करते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। मतलब अगर आपकी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और वहाँ पर का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तीन दोनों को हम भाग दे देंगे तो आपका जनसंख्या का घनत्व निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर इसके सामने आपको ये किस में ज्ञात किया जाता है, जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में। अब इसमें हम थोड़ा सा वितरण और घनत्व में डिफरेंस समझ लेते हैं। भाई मान लो यहाँ पर आपको ये दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं, यदि मैं एक एक किलोमीटर, एक किलोमीटर वर्ग एरिया का जो है दो स्थान यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो पहला वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी एरिया जो है वो एक वर्ग किलोमीटर है और उसके बगल का जो बी नंबर का जो एरिया है उसका भी एरिया एक वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ए वाला जो एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर आपको लगभग 1000 जनसंख्या निवास करती है और वहीं दूसरी जगह पर हम देखते हैं जो बी एरिया है ये भी एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर की कुल जनसंख्या जो है वो 5000 है। तो एक जगह हम देख रहे हैं कि जनसंख्या की बसाहट जो है वो बहुत कम है या दूर दूर फैली है, उस क्षेत्र पर, उस भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम पड़ रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं कि उतने ही क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या, इस क्षेत्र के मुकाबले बहुत अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई उस एरिया पे, उस क्षेत्रफल पर जनसंख्या का जो है वो बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। भाई हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि एक फोर व्हीलर गाड़ी में चार लोग बैठ के जा रहे हैं तो बहुत आराम से आप बैठ कर जाएंगे, लेकिन अगर उसी फोर व्हीलर में बहुत इमरजेंसी है और हम सभी को, मान लो कि सात लोगों को उसमें जाना बहुत ज़रूरी है और हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, तो उस जो फोर व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी में जो फोर सीटर है उसमें आप फोर की जगह सेवन मेंबर्स बैठ जाते हैं, सात सदस्य बैठ जाएंगे, तो भाई वहाँ पर हौचपौच की स्थिति तो बनेगी ही, उस पर दबाव, स्पेस पर दबाव तो जो है वो बनेगा ही। ठीक वैसी ही स्थिति है कि भूमि तो हमारी सीमित है, हमारा क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन लगातार जनसंख्या के बढ़ते जाने से जनसंख्या में वृद्धि होते जाने से और पर्टिकुलर उन स्थानों में हम बात करें या उन राज्यों में जहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जहाँ पर जलवायु अच्छी है, औद्योगीकरण अच्छा है, परिवहन के साधन बहुत विकसित अवस्था में हैं या उच्चावच जो है वो अच्छा है, समतल धरातल है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या की बसाहट हमको अधिक देखने को मिल रही है। तो उस भूमि पर, उस राज्य के क्षेत्रफल पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव जो है वो पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में, तो अभी हमने कहा था ना कि जब हम क्षेत्र जो घनत्व निकालते हैं इसे हम गणितीय घनत्व भी कहते हैं और जनरली ये मतलब मैक्सिमम यही घनत्व जो है वो उपयोग किया जाता है और इसे हम कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल और ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है या ज्ञात किया जाता है।
और हमारे भारत की जो हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो वर्तमान में 382 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपके सामने ये तालिका नज़र आ रही है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1901 से लेकर अभी जो पिछली जनगणना हुई हमारी वर्ष 2011 जनगणना, तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का दबाव जो है वो लगातार भारत की भूमि पर बढ़ता जा रहा है। हम जहाँ देख रहे हैं कि 1901 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, और हम वर्तमान जो पिछली जनगणना हुई वर्ष 2011 में हम देखें कि वो लगातार बढ़ता हुआ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या का प्रेशर हमारे क्षेत्रफल पर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित ही वो हमारे देश के राष्ट्र के संसाधन पर दबाव डाल रही है। और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि भारत के अलावा मतलब विश्व के जितने भी बड़े देश हैं, है ना, विकसित जो देश की यदि हम बात करें, अधिक क्षेत्रफल वाले देशों की बात करें, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि सबसे शीर्ष स्थान जो है वो हमारे भारत का है जनसंख्या घनत्व में, मतलब भारत के क्षेत्रफल पर वहाँ की जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव जो है वो पड़ रहा है। अब हम जनसंख्या के घनत्व की हम बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व की क्या स्थिति है, तो हम देखेंगे जब हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व हमको बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। सबसे कम जनसंख्या का घनत्व जो है वो आपको पूर्वी हिमालयीन राज्य जो है पर्वत श्रेणी पर, हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी हमारी यू टर्न लेती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व हमें देखने को मिलता है। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है जो आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर मतलब केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो वो हमको मिलता है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पर 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व मिलती है। अब हम अपने पूरे भारत देश में यदि कहीं पर हमको जनसंख्या की बसाहट या घनत्व जो है बहुत अधिक देखने को मिलेगा, कहीं पर कम देखने को मिलेगा, तो हम पूरे संपूर्ण क्षेत्र को डिवाइड कर लेते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व से या उच्चतम जनसंख्या घनत्व से निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में। तो हम ये बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने भी देखा था कि जनसंख्या का हमने गणितीय घनत्व निकाला था जो आपके कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल से ज्ञात किया जाता है। अगर आपको जनसंख्या का कायिक घनत्व ज्ञात करना है तो उसे ज्ञात करने के लिए किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें कुल कृषि क्षेत्रफल जो है, मतलब कृषि कार्य में जितनी भूमि जो है वहाँ की लगी हुई है उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, कायिक घनत्व। इसके बाद तीसरा घनत्व भी हम ज्ञात करते हैं, कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में हम देखते हैं कि अब हमें कुल कृषि जनसंख्या, मतलब ऐसी जनसंख्या जो कृषि कार्यों में लगी हुई है, उस जनसंख्या को हम वहाँ या उस क्षेत्र के जो कुल कृषि क्षेत्रफल है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कृषि घनत्व जो है वो निकल जाएगा। तो कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए कुल कृषि जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं भारत के जनसंख्या के घनत्व को, हम देखते हैं कि कहाँ पर हमको उच्चतम घनत्व मिल रहा है और कहाँ पर
निम्न घनत्व मिल रहा है।